नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर भारत और चाइना से आ रही है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कई तरीके की मीटिंगें हो चुकी हैं ताकि एलएसी के विवाद को सुलझा लिया जाए। और इसी बीच एक और बातचीत हुई है भारत और चाइना के बीच में, और दोनों ही देशों के सैन्य अधिकारियों ने सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक बार फिर से बातचीत की है। हालांकि ये जो बातचीत की गई है चाइना के साथ वो मेजर जनरल स्तर की थी। हालांकि इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि दोस्तों यहां पर एक बात आपको जानना बेहद जरूरी है कि दोनों देश जहां एक तरफ बातचीत तो कर रहे हैं, वहीं चीन विवादित क्षेत्र में अपने निर्माण कार्यों को जारी रखे हुए। सैटेलाइट से भी नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि इस बात की ओर इशारा कर रही है कि चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में ये भी बताया था कि चाइना ने विवादित फिंगर 4 और फिंगर 8 के पास एक नई रेडोम संरचना का निर्माण किया है। इस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। अरुणाचल के बॉर्डर एरिया में चीनी सेना का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें यह दावा किया गया था कि चीनी सेना अरुणाचल बॉर्डर के पास में लगातार कंस्ट्रक्शन कर रही है। अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों एयर चीफ मार्शल विक्रम चौधरी जी ने चीन और पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इनकी हरकतों पर नजर रखे हुए हैं, और पिछले दिनों जब चाइना की तरफ से फाइटर जेट्स हमारी तरफ आ रहे थे तो हमने तुरंत अपने फाइटर्स को 8 मिनट के अंदर स्क्रैबल कर उनके सामने खड़ा कर दिया। हमारे फाइटर्स इस समय फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात है। चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो नए नए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उसकी जानकारी हमारे पास है, और जब तक हमारे पास नए हथियार नहीं आ जाते तब तक हम पहले से मौजूद हथियारों के जरिए चीन और पाकिस्तान को काउंटर करेंगे। उनकी क्षमता चाहे कुछ भी हो, हमारी क्षमता भी बढ़ रही है। इसके अलावा टू फ्रंट वॉर के बारे में उन्होंने बताया कि ये हमारी सोच है कि टू फ्रंट या फिर बाकी फ्रंट को हम कैसे देखते हैं। हमें ज्यादा सरफेस टू एयर वेपन रडार और फाइटर्स चाहिए, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास है उससे हम पूरी तरीके से नॉर्थ में और वेस्ट में तैयार रहें। और हमारे पास इतने रडार नहीं है कि जो छोटे ड्रोन्स को पकड़ सके, और ये आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा भी है। इस खतरे से निपटने के लिए हमने भारतीय इंडस्ट्रीज को छोटे रडार बनाने के लिए कहा है ताकि वे टारगेट को पिक कर सके। थिएटर कमांड के बारे में भी विवेक राम चौधरी जी ने बताया कि भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से इसके इंटीग्रेशन के पक्ष में है। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो फ्यूचर रेडी हो। फैसले लेने की जो साइकिल है उसे कम करना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में जो लड़ाइयां होंगी उनमें बिना किसी बाधा के तुरंत फैसले लेने होंगे। यही नहीं, इसके अलावा जब उनसे चिनूक हेलीकॉप्टर पर आग लगने की समस्या और MiG-21 फाइटर जेट के क्रैश होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे चिनूक नए हैं, जबकि अमेरिका के चिनूक 20 से 25 साल पुराने हैं। उनके पास अनमॉडिफाइड इंजन है जबकि हमारे पास मॉडिफाइड इंजन है। हमारे इंजन में अगर कोई कमी होती है तो बोइंग एडवाइजरी देती है। और जहां तक MiG-21 का सवाल है तो हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तेजस या फिर उसके बाद आने वाले फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाए। MiG-21 के कुछ जहाजों की लाइफ अभी कुछ साल और बाकी है, और आने वाले 3 से 4 सालों में इन्हें पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, इसीलिए हमारा ध्यान तेजस पर है। इसके अलावा विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि 365 दिन 24 घंटे हम निगरानी कर सकते हैं। कुछ कमियां हैं जिन्हें आने वाले समय में खत्म करना होगा। चीन की निगरानी हम 24 घंटे नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन अवॉक्स सैटेलाइट सर्विलांस या फिर बाकी और सिस्टम एक साथ आए तो आने वाले सालों में 365 दिन 24 घंटे हम निगरानी कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से तैनात है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए अलर्ट है। दोस्तों वही वायुसेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय वायुसेना MI-17 बेड़े को अपग्रेड कर रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना हैमर, मिस्ट्राल, स्पाइक और स्पाइस मिसाइलों को खरीदने पर भी बातचीत कर रही है जो कि उन्नत चरण में है। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना अपने फॉरवर्ड AFS को अपग्रेड करने की योजना भी बना रही है। यानी कि दोस्तों भारतीय वायुसेना ने एक तरह से अपनी कमियां बताई हैं। कमियों का मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 365 और 24 घंटे निगरानी नहीं कर पाना ये बहुत बड़ी समस्या है। चाइना कब क्या कर दे पता नहीं चलेगा, और इसीलिए अपनी क्षमताओं को, खास करके निगरानी क्षमताओं को भारत को बढ़ाना होगा। इसके अलावा फाइटर जेट्स के अधिग्रहण जितनी जल्दी हो सके उन्हें भी पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों F-35C को INS विक्रांत के लिए एक आइडल डेक फाइटर जेट कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी तक भारतीय नौसेना अपने दोनों विमान वाहक पोतों के लिए जो 26 कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती थी उन पर कोई फैसला नहीं ले पाई है, और अभी भी ये जो खरीद है वो अटकी हुई है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि राफेल M या फिर बोइंग का सुपर हॉर्नेट दोनों में से कौन विजेता बन सकता है। हालांकि पहली पसंद राफेल M को कहा जा रहा था क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास इसी तरीके के राफेल विमान है, और इसी तरीके की जब समानता होती है तो उससे प्रशिक्षण, रखरखाव, ये सब जो चीजें हैं वो काफी आसान हो जाती है, और इससे नौसेना के लिए अधिक विदेशी मुद्रा बच सकती है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन तकनीकी कारणों में ये काम असंभव लगता है क्योंकि राफेल M की अपनी सीमा है।
वहीं अगर हम बोइंग सुपर हॉर्नेट की बात करते हैं, इसके लिए भी अभी नौसेना ने कोई हरी झंडी नहीं दी है। जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट, इस फाइटर जेट को भारत के विमान वाहक पोत के लिफ्ट से भी संचालित किया जा सकता है। लेकिन अब बात आ रही है F-35C की, जो कि एक कैरियर बेस्ड वेरिएंट है जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट प्रोग्राम का, और इसका विंग स्पैन 9.1 मीटर का है जब इसे फोल्ड किया जाता है, और इस तरीके से इसे आसानी से भारतीय विमान वाहक पोत से संचालित किया जा सकता है। और डेक पर जो इसके छोटे फुटप्रिंट्स हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर में एक काफी जगह भी बचा सकते हैं। और F-35C का जो फुटप्रिंट है वो MiG-29K के फुटप्रिंट के बराबर ही है। लेकिन यह कि F-35C सिर्फ एक कल्पना मानी जा सकती है, क्योंकि फिलहाल तो भारत को 26 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स खरीदने होंगे, चाहे वो राफेल एम होगा या फिर सुपर हॉर्नेट। F-35C की बात की जा रही है, लेकिन भारतीय नौसेना के पास इतना बजट भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना अपने TEDBF पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, जो कि आने वाले 7-8 सालों में एक हकीकत बन जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, तो वॉरियर तेजस मार्क टू फाइटर जेट को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क टू फाइटर जेट के विकास, प्रोटोटाइप के निर्माण, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए 6,500 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से अब ये कहा गया है कि पहला तेजस मार्क टू फाइटर जेट 2023 की पहली तिमाही में सामने आ जाएगा और इसकी पहली फ्लाइट 2024 की शुरुआत में होगी और इसका उत्पादन 2027 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 15,000 करोड़ रुपए भी आवंटित करेगी AMC स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए अगले कुछ महीनों में। अगली खबर की बात करते हैं, तो वो आ रही है TEDBF को लेकर। दरअसल दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस ने TEDBF का प्रीलिम डिजाइन रिव्यू 2023 तक पूरा करने की योजना बनाई है और उसके बाद इसे भारतीय नौसेना के लिए आधिकारिक रूप से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगा। ये नहीं, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि TEDBF का जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो 2024 के अंत में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसकी धातु की कटाई यानी कि मेटल कटिंग शुरू हो जाएगी और कंपोनेंट्स और जो सबसिस्टम्स खरीदे जाने हैं उनकी भी शुरुआत हो जाएगी, जो कि पहले TEDBF एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए होगी। और कहा जा रहा है कि पहली फ्लाइट TEDBF की 2027 की शुरुआत में होगी और इसका उत्पादन 2031 में होगा। अगली खबर की बात करते हैं, तो वो आ रही है अर्जेंटीना और भारत को लेकर। दरअसल दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारत ने अर्जेंटीना की एयरफोर्स की टीम को कहा है कि वो तेजस फाइटर जेट का पूरा तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए भारत में आए। लेकिन उससे पहले भारत का HAL का एक डेलीगेशन अर्जेंटीना पहुंचा है, जहां HAL के डेलीगेशन ने अर्जेंटीना के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से बातचीत की और दोनों ने आपसी सहयोग पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा HAL ने अर्जेंटीना के सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के साथ भी बातचीत की है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डमडम, जो कि यंत्रा इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है, उन्हें बड़ी संख्या में टेल यूनिट नंबर 107 के लिए, जो कि 1000 पाउंड के एरियल बॉम्ब के लिए है, उसका ऑर्डर मिला है, जिसे कि भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने बड़ी संख्या में यानी करीबन 11,000 कार्टेज केस का एक्सपोर्ट किया है L-70 एयर डिफेंस गन के लिए और इन्हें स्वीडन भेजा है। दरअसल L-70 40mm की मल्टीपर्पज ऑटो कैनन है, जिसे स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर BAE सिस्टम ने तैयार किया है और ये हाई स्पीड वाले एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सकती है जो कि लो एल्टीट्यूड में उड़ रहे होते हैं। दोस्तों अगली खबर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दरअसल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने यूरोपियन फर्म MBDA के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसमें कि दोनों ही मिलकर मिस्ट्राल मिसाइल को भारत में तैयार करेंगे। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मिस्ट्राल 2 को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर में भी लगाया गया है। बता दें कि मिस्ट्राल UAV और हाईली मैन्यूवरिंग फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के खिलाफ काफी प्रभावी मानी जाती है। दोस्तों अगली खबर चीनूक हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। चीनूक हेलीकॉप्टरों को लेकर बोइंग का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जहां चीनूक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में भारतीय वायुसेना भी इनका इस्तेमाल कर रही है। बोइंग ने कहा कि भारतीय वायुसेना की चीनूक उड़ानें नहीं रुकेंगी, क्योंकि भारतीय चीनूक फ्लीट में किसी भी तरीके के इंजन की कोई समस्या नहीं है। भारतीय चीनूक को चंडीगढ़ एयरफोर्स बेस पर तैनात किया गया है और कुछ को लद्दाख में भेजा गया। इसके अलावा बोइंग ने कहा कि भारतीय वायुसेना चीनूक के CH-47F वेरिएंट का इस्तेमाल कर रही है। इस वेरिएंट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी चीनूक हेलीकॉप्टर में जिस वेरिएंट में दिक्कत आ रही है वो भारतीय वायुसेना को नहीं दिया गया, इसलिए भारतीय वायुसेना अपने चीनूक हेलीकॉप्टर को आराम से उड़ा सकती है। और ठीक यही बात दोस्तों एयर चीफ मार्शल विक्रम चौधरी जी ने भी कही कि हमारे पास जो वेरिएंट है वो बिल्कुल नए हैं। दोस्तों अगली खबर अरुणाचल प्रदेश को लेकर आ रही है। दरअसल अभी हाल ही में डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा था कि भारत की सीमा पर चीन का अतिक्रमण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन है
और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और इस बात को सुनकर चाइना गुस्से से लाल हो रखा है और चाइना ने जर्मनी के दूत के द्वारा दी गई इस प्रतिक्रिया के बारे में नाराजगी व्यक्त की है। भैया काई बात की नाराजगी, जो हिस्सा भारत का वो भारत का ही तो है, दावा करने से क्या हो जाता है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि चीन और भारत के बीच सीमा का जो प्रश्न है उसे उपनिवेशवादियों के द्वारा छोड़ा गया और ये एक ऐतिहासिक बोझ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमा के सवालों को चीन और भारत को द्विपक्षीय रूप से देखना चाहिए और इसमें किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने दुनिया की सबसे एडवांस हमलावर पनडुब्बी HMS एरिसन को शामिल किया। ये पनडुब्बी समुद्र में 1600 किलोमीटर दूरी तक मौजूद अपने लक्ष्य को साध सकती है। HMS एरिसन पनडुब्बी 38 स्पेयरफिश टॉरपीडो और टॉमहॉक ब्लॉक 5 क्रूज मिसाइलों से लैस है और इसकी कीमत करीबन 1.3 बिलियन पाउंड है, यानी कि 11,994 करोड़ रुपए। ब्रिटिश नौसेना में ये पनडुब्बी दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। ये पनडुब्बी दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसपैठ कर खुफिया जानकारी जुटाने के अलावा ब्रिटिश नौसेना के जहाजों को पानी के अंदर और बाहर तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस पनडुब्बी को शामिल होने से ब्रिटिश नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। दरअसल ब्रिटेन लंबे समय से समुद्र में रूस की आक्रामकता का सामना कर रहा है। पिछले कई साल से रूस की पनडुब्बियां ब्रिटेन का चक्कर काट रही हैं। कई बार उन्हें डिटेक्ट भी कर लिया जाता है, जिसके बाद वे ब्रिटिश जलीय सीमा को छोड़कर दूर चली जाती हैं। ऐसी कई घटनाएं हो रही थी लगातार, जिसे देखकर ब्रिटेन ने अपनी नौसेना की क्षमता को बढ़ाया है। दोस्तों खास बात यह है कि ब्रिटिश नौसेना की जो पनडुब्बी है वो परमाणु शक्ति से संचालित है। इसका मतलब यह है कि बिना रिफ्यूलिंग के ये पनडुब्बी पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। ये पनडुब्बी जमीन और समुद्र दोनों ही जगहों पर मौजूद दुश्मन के अड्डों को नष्ट करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी में लगाए गए रॉल्स रॉयस परमाणु रिएक्टर को अपनी 25 साल की सेवा अवधि के दौरान कभी भी ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पनडुब्बी में लगे सिस्टम पानी और हवा को भी शुद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पनडुब्बी में खाने पीने की चीजों की कमी हो सकती है। अगर पर्याप्त मात्रा में पनडुब्बी में भोजन उपलब्ध होता है तो उसे सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि इस पनडुब्बी की लंबाई 318 फीट है, वजन है 7,800 टन। पनडुब्बी पानी के अंदर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें चालक दल के 98 सदस्य सवार हो सकते हैं। इस पनडुब्बी को शक्ति देने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि रॉल्स रॉयस के इंजन लगे हैं, जिसमें कि PWR2 रिएक्टर और MTU 600 किलोवाट का डीजल जनरेटर लगाया गया है। ये पनडुब्बी लगातार 90 दिनों तक अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। इस पनडुब्बी में थेल सोनार 2076 लगाया गया है, जो पानी के अंदर लंबी दूरी तक वस्तुओं का पता लगा सकता है। दोस्तों यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे अभी के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।